इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके WhatsApp कनेक्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, आप किसी से कनेक्ट करते हैं तो कनेक्टिंग इशू आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आपका WhatsApp, तो इसका हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहें। तो देखिए, आपको करना क्या है कि आपको चले जाना है अपने मोबाइल के WhatsApp में, और WhatsApp में जब जाएंगे तो WhatsApp में जाते ही आपको ऊपर 3 डॉट दिखता है, उस पर जाएंगे और ऊपर जाएंगे 3 डॉट पे तो सबसे नीचे आपको दिखेगा सेटिंग्स की ऑप्शन। जब सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको नीचे जाना है हेल्प में। हेल्प में जैसे जाएंगे तो हेल्प में जाते ही आपको सबसे ऊपर मिलता है हेल्प सेंटर, और हेल्प सेंटर में आपको नहीं जाना है, आपको जाना है कॉन्टैक्ट अस में। तो इसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें आपको टाइप करना है टेल अस हाउ वी कैन हेल्प। तो इसमें आपको टाइप करना है कनेक्टिंग प्रॉब्लम, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है प्रॉब्लम कनेक्टिंग व्हाट्सएप नोटिफिकेशन और कैन नॉट कनेक्ट टू व्हाट्सएप तीसरे नंबर पे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इसका सोलूशन बता रहा है। देखिए, बता रहा है ट्रबल शूट मोस्ट कनेक्शन इशू कैन बी रिजॉल्व बाई डूइंग वन और मोर द फॉलो रीस्टार्ट योर डिवाइस बाई टर्निंग। यह बता रहा है कि सबसे पहले तो आपने मोबाइल को रीस्टार्ट करें, इसके बाद बता रहा है आप सेटिंग में जाएं, कनेक्शन में जाएं, एयरप्लेन मोड करें, एक बार ऑन ऑफ करें, फिर से सेटिंग में जाएं, मोबाइल में जाएं, नेटवर्क में जाएं, नेटवर्क को टर्न ऑन करें, ओपन करें, सेटिंग में जाएं, ऐप में जाएं, व्हाट्सएप मोबाइल डाटा अलाउ बैकग्राउंड डाटा यूजेज। तो ये सारी चीज़ें हम आपको लाइव दिखाएंगे। तो चलिए चल के देखते हैं और करते हैं। तो हमें करना क्या है कि हमें जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। जैसे आप मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे तो मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है कि पहले सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में एक बार एयरप्लेन मोड लगा लेना है। तो चलिए हम लगा लेते हैं, और यहाँ पे दिख रहा है हमारा एयरप्लेन मोड, एक बार इनेबल करके फिर से डिसेबल कर देना है। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको करना ये है कि आपको चले जाना है फिर से अपने मोबाइल के, यहाँ पे आपको दिखेगा ऐप्स, तो हो सकता है आपके मोबाइल में ऐप एंड मैनेजर हो तो आपको जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जब जाएंगे तो आपको दूसरे नंबर पे मिल जाता है मैनेज ऐप्स, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सअप। जैसे आप यहाँ पे व्हाट्सअप सर्च करेंगे तो व्हाट्सअप सर्च करते ही फोर स्टॉप पे जाएंगे और ओके कर देंगे, क्लियर डाटा पे जाएंगे, क्लियर कैच कर देंगे। और ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, ऐप परमिशन पे जाना है। ऐप परमिशन पे जाने के बाद आपको क्या करना है, कैमरा के परमिशन को यहाँ से अलाउ कर देना है, और माइक्रोफोन के परमिशन को अलाउ कर देना है, और यहाँ पे लोकेशन के परमिशन को अलाउ कर देना है, और SMS के परमिशन को अलाउ कर देना है। इन सभी परमिशन को अलाउ करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेज आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और इन तीनों को अनचेक करके फिर से चेक कर देना है। और चेक करने के बाद आपको क्या करना है कि एक बार अपने मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, और रीस्टार्ट करने के बाद ये जो इशू है ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, और इसका यही सॉल्यूशन है। तो अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।